नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत सागवाड़ा शहर के कमलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्थित उद्यान में भारत विकास परिषद के तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस दौरान डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकबल कटारा, पूर्व विधायक अनिता कटारा, प्रांतीय महासचिव गिरीश सोमपुरा, प्रांतीय उपाध्यक्ष मयंक दोषी, शाखा अध्यक्ष नारायण लाल बनोत, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की प्रकाश व्यास, अशोक जैन, शिवराम मोची, राजेंद्र शुक्ला, डॉक्टर हितेश शाह, तिलक नंदिनी शाह, जीवनलाल पाटीदार, कुबेरलाल जोशी, श्याम भट्ट, दशरथ खटीक, भगवानलाल सेवक, दीपक शाह, अश्विन बोबड़ा, नवनीत सोनी, चंद्रशेखर सिंघवी, जयंतीलाल पंचोरी, अशोक पंचोरी, दिलीप पटेल, निशांत कटारा आदि मौजूद थे। सभी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा और पूर्व विधायक अनिता कटारा सहित भारत विकास परिषद के अध्यक्ष और बजरंग दल के प्रकाश व्यास ने सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार भी व्यक्त किए। देखिए पूरी रिपोर्ट। सुभाष चंद्र जी बोस की जन्म जयंती पर आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनके जीवन से बालक हो या बालिका हो, सभी प्रेरणा लेते हैं। साहस और बलिदान का जो बालक बालिका उनसे प्रेरणा लेते हैं, उसका श्रेय सुभाष चंद्र बोस को ही जाता है। समाज में जितने भी साहसिक कार्य होते हैं, उनसे सुभाष जी का, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर बालक बालिका आगे बढ़ते हैं। हम सबके प्रेरणादायक हैं। वो किसी एक समाज से नहीं है, समस्त व्यक्तियों के जीवन में उनका योगदान है। हमारा जो साहसिक जो भी कार्य होता है, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज हम उनसे प्रेरणा लेने के लिए और उनको जन्म जयंती मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हमें बड़ी खुशी है कि भारत विकास परिषद के द्वारा यहाँ पर मंदिर परिसर के पास में जो गार्डन बना हुआ है, उसमें सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई है। आज इनके जन्म जयंती पर भारत विकास परिषद के अध्यक्ष नारायण भाई और उनके सभी पदाधिकारी, इन्होंने मैं आमंत्रित किया, आज इनको याद करें सुभाष चंद्र जी बोस को, कि इनके जीवन में कितने संघर्ष हुए। देश की आज़ादी के लिए कई संगठनों में इन्होंने काम किया, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को भी इन्होंने जोड़ा है। मुझे घटना याद आती है कि सुभाष चंद्र जी बोस के पास में एक बुढ़िया आई और बुढ़िया ने कहा, वो संघर्ष था उसमें देश की आज़ादी के समय में, जो क्रांति ला करके आज़ादी दिलाने के लिए, और उसी समय की बात है कि बुढ़िया आई और उन्हें केवल 5 रुपया उनको दिए और ये आपके काम आएंगे संगठन के नाते। उनके आंखों में आंसू आ गए कि वाकई में ये बुढ़िया आज इसके पास में जो कुछ था वो इस देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया है और देश हित में जो काम कर सके वो काम करे। इसके लिए उन्होंने इस बात को बुढ़िया को बहुत ही चरण स्पर्श करके प्रणाम किया कि माता जी, निश्चित रूप से आपकी द्वारा दी गई राशि जो है वो भले पैसा आज के ज़माने में इसकी बहुत कीमत बहुत कम है, लेकिन उस समय बहुत इसकी कीमत थी। और उस बात को ध्यान में प्रेरणा लेकर के कई प्रजामंडल, कोई सामाजिक क्रांति और समाज में जिस प्रकार से संगठन खड़ा करना होता है, हर क्षेत्र में साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रजामंडलों के माध्यम से, अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार का कार्यक्रम और उनके अनुयायी सब ने मिल करके काम किया। और आज इसी का परिणाम है कि आज सुभाष चंद्र बोस नहीं है, परंतु हम जीता जागता उदाहरण हमारे सामने सुभाष चंद्र जी बोस खड़े हैं, ऐसा हमको लगता है। और आज इस अवसर पर हमें याद करना बहुत ही आवश्यक है। और भारत विकास परिषद प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से मनाते भी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम अभी छोटा जरूर है, लेकिन निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम
हम आयोजित इस समय कर रहे हैं, जो सुभाष चंद्र जी बोस की आज़ादी, देश की आज़ादी दिलाने में उन्होंने जो समर्पण अपने आप को किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से पूरे भारतवर्ष में महान स्वतंत्र वीर सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर सूर्य नमस्कार प्रारंभ हुए हैं, और विशेष करके बजरंग दल की ओर से आज पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक बजरंगी के द्वारा कम से कम 25 सूर्य नमस्कार किए जाएंगे, और इसकी संख्या है वो जिला स्तर से, प्रखंड स्तर से, जिला स्तर से, प्रांत स्तर पर भी संकलित की जा रही है, और आने वाले दिनों में यह सूर्य नमस्कार सूर्य सप्तमी से लेकर के प्रारंभ होंगे, और ये महा आंदोलन के रूप में लिया जाएगा। आज जो कोरोना रूपी जो महामारी फैल रही है उसमें भी यह सूर्य नमस्कार हैं वो लाभकारी रहेंगे, इसलिए विश्व हिंदू परिषद जिला सागवाड़ा, बजरंग दल जिला सागवाड़ा की ओर से भी आज पूरे ज़िले में लगभग 722 गांवों में सूर्य नमस्कार प्रातः बजरंगियों के द्वारा और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता द्वारा किए गए। भारत माता की आज सुभाष जयंती के उपलक्ष्य में भारत विकास परिषद सागवाड़ा के सभी सदस्य एकत्रित होकर मुख्य यजमान माननीय श्री जी कनकमल जी कटारा द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने माल्यार्पण किया, और साथ ही हमारे सभी सदस्यों ने एक एक होकर के सभी ने इस कार्यक्रम को संपन्न किया, सब ने माल्यार्पण की, और इसी तरह भारत विकास परिषद हर वर्ष इस कार्यक्रम को मनाता है, और समय समय पर जो भी कार्य यहाँ भारत विकास परिषद की ओर से किए जाते हैं इसी तरह हमारा ये परिषद चलता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।